अपने निके निके हाथ चुक के अल्लाह मियां अगे दुआ भी करया कर। सुनिया नहीं, अल्लाह मियां मासूम दी दुआ बड़ी छेती सुनदा है। फिर दुआ रहन दे हकीम जी, हुण मैं दुआ ही करांगा ते कल्ला नहीं, मेरा निकू वीर भी मेरे नाल हाथ चुकेगा। निकू तत्ते सारा रोना मेरे सामने ही रो लिया ते मेरे बाद की रोवेगा चुका जा। रब्बा मेरी जिंदगी ले ले, पर मेरे पुत्र नु दूध दे घुट तो ना तरसावा सही अपने नाम दा। तेरा बेड़ा गर्क यहां मर गया, समुद्र पुत्र ला गला घुट। देखो लोगों, इन बेवा ते गरीब नहीं समझ के रहन नु थां दित्ती ते ने खं खं के साडा आराम बर्बाद कीता ते तू जरा भी नहीं बोले। अज खैर नाल मैं सा पुत्र दी ढोलकी धरी है ते रात दा मुंडा लगी रवान। हुण दसो कुड़ियां ढोलकी वजाणगियां ते पुत्र दा सेवा कर। तेना भला होवी, गुस्से क्यों हुंदी है? ए बाल ते नाले भुखा ए तार हुंदा है अपना। लै होर सुन, बाल नूं लवा के ते कुछ मंगना चाहंदी है जी? मैं ते कच्ची कौड़ी भी नहीं देनी। इन्नी मुसीबत वाली है भैना, जे गरीब समझ के तरस खाता है तो जुल्म ना कर। असी गरीब जरूर पर मंगते नहीं। जी एडी वड्डी गैत वाली है तो शामू पहले इत्थे पूछ कर, सानू भी तो सुख दा भा आवे ना। लै हौली बोल। निकू हूं तो चुप कर जा बेड़ा तरी, किस दुनिया नु रो के क्या दसना है? गरीबनी ते बीमार मां दा भुखा पुत्र दुनिया तो तेरे रोन दा भी अलामा दे गई। की करन लगी सा मां? मामू ते इस दुनिया में कुट दूध दी खातर सुनिया विक भी जांदियां ने, ते मैं तो मरण तो पहला पुत्र नु ए गल कह लई अगा वधी सा कि जे तू चुप नहीं करदा ते मैं ही चुप कर जांदी। नहीं मां, मैं ते निकू अल्लाह मियां के दुआ करांगे कि तू साडी मां नु बचा ले। दुआ ना करी पुत्र, कन्नू रख पुत्र। एना गुआंढियां दे घर एना दे सा पुत्र दा व्याह ई, ते तू ऐस भुखे निकू नू सा जरूर बनाना ही मां सदके। जे तू ए साब दा व्याह करी ते किसी अल्लाह दी सपुर्द। चुप कर जा निकू यार, चुप कर जा। नहीं चुप करदा, चल मैं तेन उधार दुध लै के दा। चुप कर जा, पा दू लिया मेरा निकू वीर वास्ते एक पाप उत्ते उधार दे दे। चल ना चल, अगे तुहाडे नाल बड़े पैसे हैगे ने, आ गया उधार दुध लैण वास्ते। मैं तेरे सारे पैसे ला देवा बा, निकू दुध पी के सौ जाएगा ना ते मैं मजदूरी करन टुर जाऊंगा। मजदूरी करने तुर जाएगा के मां वांगू मेरा हिसाब मार के अगले जहान तुर जाएगा। चल दफा हो इथों। दुलिया मेरी मोई मां नु बुरा ना आखी, नहीं तो मथा रंग देंगा ही रब दी सो। वाह यार, दी कर किरली ते छती रानू जफे। अच्छा दफा हो इथों, मथा रंग देंगा ही। ओए आहो, मां पुत्र असले नहीं जमदियां के मरण तो बाद उन्हां नु कोई बुरा आखे। आ सुनया जे भाई, ओए मुंडा कखा चो अग निकल आया जे, आया दुध ना ने मां की बुराई भी नहीं सुनता। आहो तेरे तो उधार मंगे, कोई खरैत नहीं मंगी। तेरे वांगू जो मां बुरा आखते ने वह किसी मां के पुत्र नहीं होंगे। चल निकू कर जा, निकू चुप कर। लै वे निकू, चुप कर जा।
चोरा छड़ प्याला थो तेनू नहीं पता दूध जिम्मेदार होने जागर वास्ते यार कुत्ता मेरा निक्की पीर तो चला बेगम ने दूध नहीं रो रहे चल दफा हो इथों तेनू नहीं पता जिम्मेदार होने दी बेगम ने कुत्ता बुलाया तो मंगवाया राखी वास्ते यार ला मियां ए कुत्ता मेरा निक्की पीर तो चला चुप कर जा निकू यार तेनू पता है ना मां कहंदी हुंदी सी असि गरीब जरूर आ पर मंगते नहीं जे तू चुप नहीं करेगा ते मैं मंगना शुरू कर देंगा निकू यार चुप कर गया जिंदा रहो वीरा मालूम होंदा तेरी भूख मर गई है पर गैरत नहीं मरी चल हुण मैं तैनू उहदे घर लै चला जिहड़ा सानू रोटी देंदा पर मां दा मेहना नहीं देंदा मिया मैं अपने निकू वीर नू तेरे घर छड़ के ते आप मजदूरी करन चले ही मेरे आंदे ता कहंदा ध्यान रखना अपने पिंड का मालूम नहीं होंगे मेरा ख्याल है इनू कोई अल्लाह दे सुपुर्द करके भेज गया चंगा फिर इनू मैं नाल ला जाना हां ते जे को पूछन आया तो उनू मेरी हवेली वाल भेज देना बेहतर है आ जा भाई आ जा शाबाश शाबाश निकू निकू रब्बा मैं अपना वीर तेरे कोल छड़ के गया सी जे तू उंदा ध्यान नहीं सी रखना मैनू पहले ही आख देंदो मैं उन्हूं अपने नाल लै जांदा आए रब्बा मेरा निकू वीर किधर गया काका तू उस बच्चे लई रोंदा है पिया जेड़ा हुणे इत्थे रोंदा सी पिया आहो बाबा जे तैनू पता है ते अल्लाह दे वास्ते मैनू दसो किथे वे रो ना काका उस बच्चे नूं हुणे ही अल्लाह दा बंदा आओ उस हवेली च लै गया है उत्थे चला जा तेरा वीर तैनू मिल जाएगा अच्छा बाबा सोहने कपड़े पाओ तुसी फिकर ना करो मैं आपे सब कुछ कर लांगी नाले अपने पुत्तर लई दुआ मंगांगी रब नूं साफ बनावे साफ मां मैं तेनू एक वक्त का दुध भी नहीं पिया सकिया पर मेरे रब ने तेरे निकू नू उस घर च लैंदा ही जिथे साहब जरूर बन जाएगा ते मैं भी उनके कोल कोल रहांगा मां हां सच गल ते दसो असां ते वेली जोड़ किन्ना किते रहना मुकदमे दा फैसला होया क्या जी नहीं भाई ओ हुक्म दी तारीख पै गई है ते इंशाल्लाह मेरा ख्याल है पी ए वेली जेड़ी है ना वो मुखालफ पार्टी ने मिल जाएगी तो इक्की चक वाले मुरब्बे जड़े ने सानू मिल जाए अल्लाह करे इस बच्चे दे सच्चे साडे मुरब्बे सानू ही मिलन आमीन या अल्लाह मियां मैनू माफ कर दे मैं भूल गया सा मैनू अच्छे ता ही नहीं सिरिया ते जिन्ना दा कोई नहीं होंदा उन्ना दा तू होना
तू भी लैना कुड़िए खलोती हुई है छेती गल मुलाजम मेनू की पता कि दफा होए नी चल फुट इथो बड़ा दलील है बई इधर मुंह करे ना तू मेरे मुंह नू की आखना मैं तेरे कोल ते नहीं रह सकया पर अल्लाह हुण तन साफ जरूर बनाई जा ओए लोफड़ा तेनु कितनी बारी आख्या मेरे अड्डे ते ना ब्याह कर तू बोलना किस तरह मैं भी तेरे अड्डे नस ला ली ओ तथा तेनु की मेरे अड्डे दा ला ले ऐ इत दा ध्यान कर ली मुंह मथा रंदे या मौला ये बच्चा पहलो तो इस पिंड च कदी नहीं वेख्या किधरों से किस तरह इत्थे आ गया ओ पुत्रा ओ बच्चू होश कर ओए जी ओ खैरी मेरी ते है आहो जी उठदा ते उठ पुत्रा ये दस पई आया कित्थों है अजे जिथों तकदीर ने धक्के देने शुरू किए सन ना उनका आखिरी तकाज मैं ताड़े बुए अगे सुट गया ते जाना किथे जाना मालिक कौन जित के ले जाता है लै बार लै छई लै हूं मेरा वार रोक साहब असी ते हर मैदान जीत रहे हैं अल्लाह करे हुन पढ़ लिख के तू ही साहब बन गया होवे ता मैं मां दी रूह तो सुरखुरू हो सकना ओए तैनू की पता होए यार मैनू कोई भी साहब जी राह विच मिल जावे ना ते मैं उन लस्सी दूध पियां बगैर जान नहीं देंदा पता ही की सोचना खरे उन्हां दे सदके अल्लाह मियां ने तैनू इहो जिहा बनाता होवे जीलो ए जीलो ए जीलो दी बच्ची भी खरे की शै है जदों का शहरों पिंड आया वा एक मिनट मेरे को नहीं खलोती भैं भरावान के सौ काम कर दिया ने पर एदा ते जमीन ते पैर ही नहीं टिकता ए जनाब साहब जी मैं पूछ सकनी हां कि तुसी खैर नाल इत्थे क्यों बैठे हो ए मेम साहब जी मैं पूछ सकना जनाब नू मेरे इत्थे बैठ ते की इतराज है बहुत बड़ा इतराज है मेम साहब दे साहब भाईजन जी तुसी तशरीफ दा टोकरा फौरन लै जाओ ओए पर क्यों इसलिए कि मेरी बहुत पुरानी सहेली आ रही है क्यों
पर्दा कर दी वे नहीं पिंड सीधी सादी कुड़ी है उन्हें पर्दा की करना है बस फिर होनी है कोई अन्नी लूली लंगड़ी कहानी है वे अन्ना लंगड़ा लूला काला तेरा कोई दोस्त होना है बस बस एदा मतलब ही होया कि शक्ल भी बहुत सोनी मैं कहनी है तेरे को खलोती होवे ना ते सारे लंगड़ वाले उन्हें तकन तेरा कोई रोबड़ा पवे हां ते चल चल मैं ये कहना जे मैं ओदे कोल खलोता होवां ना ते जिन्नियां कुड़ियां लंगन मैनूं ही तकन ओदी खैर करिए दोए ना पिछे हां ते मैं कहनी है तू जाना कि बुलावा अब्बा जी बेड़ा तेरे अब्बा जी नु क्यों बुलानी है उन्हें बुला जिने आना है ते जो पर्दा नहीं ना करदी ते असीं आप पर्दा कर लेने हां अब्बा जी की गल है की गल है जमीला बैठी ऐनी पुछो तू जिन बोदा पढ़ा के ते साडे तालू ते चढ़ाया आज हां ते क्यों पुत्र तू दस की गल अब्बा जी ऐनु ही पुछो जिनु चार जमाता पढ़ के ते हेलो जिम्मी कहंदा शौक से है असल गल क्यों नहीं कहंदा देखो अब्बा जी मैं क्या सी कि आज मेरी सहेली ने आना ते तू जरा बाहर चला जा हां ते ए लाहौर सुन लो सहेली सगी हो गई ते मैं मतरिया हो गया पर जे एनी पर्देदार है ते मैं कल परसों मुरब्बिया ते जा रहा फिर बुला रही सू हां सजे पुत्र मनु ओ तेरी मुरब्बिया दी गल तो याद आ गया ओ मुंशी नसीह खान वल जा ते मुरब्बिया दे जान दा प्रोग्राम बना पुत्र अब्बा जी किसे नौकर नु करके बुला लो मालका दा नौकरा वल जाना चंगा नहीं लगदा ओने किसे दे बुलाया नहीं आना जां तू जाए ते जां मैं जां ओ काम बहुत कट करदा है ते बीवी नु नसीहतां ज्यादा करदा रहंदा ओए ए की गजब करन लगी है सुना बेगम बीवी औरत मस्तूरात कारवाली तेरे जी औरत नहीं चाहिए ना कोई पारी चीज चुके ना चुकावे तो ना सुटावे बल्कि जरूरत पवे तो मैनू बात मार लिया करे मैं मुश्तंदा किस वास्ते वा जे मैं काम ना होवा तो किसी हमसाई ने आवाज मार लिया करे पर एहो जी बेवकूफी कभी ना करे समझ गई मैं समझ गई मुंशी नसीहत खान पुराना बंदा वा ले बैठा वे तू क्यों बनना वे जा चौधरी साहब होनी ते उनां दे पुत्र बहु जमील होनी तेनू डिगदे होने ओ डिगण दे उनां नू मैं तेनू कट बाहु जाप लवां ले सुन नसीहत नंबर 2 ए दिन औरत दे उत्ते बड़े लंबे चौड़े दुबले पतले नरम ते ना दखोंदे ने पुराना बंदा वा हाय मेरे रब्बा फट गए मेरे नसीब वे किथों गुलफाम जे मेरे पल्ले पै गया वे मैनू चंगी तरह पता है कि ए दिन किन्ने सख्त किन्ने नाजुक होंदे ने चंगी तरह समझ गई पर नसीहत नंबर 3 के मुताबिक इस दौर उठन बैठन तुरन फिर सौन बहन खान पीन के नसन पदन के मुताबिक सुन ले मैं क्या मुंशी जी 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 अच्छा जा फिर मैं जा दी मैं जा दी फिर प्रणाम दामा एक गल और याद आ गई जी मैं बाऊ जमीन लाल बाहर जा रहा मुरब्बिया जाऊ किधरे बाऊ जमील होनी इथे मैं आ जा चुप कर ओ इथे किस तरह सकदा मैं आप दे जा रहा हूं रस्ते मिल पावांगा पुराना बंदा वा ओ यार ये कौन पिया खांगदा है मैं जरा बाहर जा रहा हूं तुसी तो नी केड़ी है नी कोठे टपनी हाय रे मैं क्या पूछा लो पुराना बंदा वा ते मेनू ते छड ए मुंशी दा फातिया पर मैं ते चंगी भली हां काकी रब करे तू कमजोर ही होवे जिस दिन दी साडे पिंड आई हुई है पिंड ते कोठे दी छतें लिप गई ने पुराना बंदा वा तेरा कख ना रवे गली विच तेरे नाल दे मुंडे खलोते हुंदे ने ते मैं कोठे टपदी टपदी अपनी सहेली नु मिलन चली सा मेरे नाल दे ओए ओनु की कह रही है मेरे नाल गल कर खां मेरा शुक्रिया अदा कर मेरा शुक्रिया अदा कर ओए धन्यवाद सब ते देखो ओ काकी की कह गई है पुराना बंदा वा मुंशी हां ए कौन है पुराना बंदा वा ओ मैं पूछना है कुड़ी कौन है ए ए ताडे मुरब्बियां दे जड़ा खास करिंदा रहंदा ना उदी धी है ते बीबी जमीला नु मिलन जा रही है हला पर एस पिंडिच की लैण आई है इथे दी मां रहंदी है ओ जरा बीमार है उदी खबर लैण आई होवेगी ते हुण अपने पियो को टुर जाएगी पुराना बंदा वा यार गैर पिंडी जा के बड़ी तेज तरह रे हां जमील साहब ऐसे पिंड दी जाम पाले और मैं ते दियो सत्ता पुछता नु जानना पुराना बंदा वा पुराना बंदा चल टुर किथे ओ चल टुर छड़ना शहर का सीधा साधा मुंडा मैं क्या हूं कि जिन्हें तेन वक्त पाया हुआ तेरा मुंशी नसीहत खान बुला गया मुंशी नसीहत खान फिर उन्हें मैंने देख लिया मुंशी
आख्या ते मैं ही सी, उठा जा, जरा मैंने सोच लैन दे, एक दिन मैं उन्हें कुछ पेड़ शपेड़ तो नहीं सी ना मारी, जे मैं उन्हें कुछ पेड़ मारी है ना, तो फिर मैं थे अड़िए रहो, जे तू सच्ची मुझे उधर कोई हाथ चला के की है ना तो फिर इतों चले जा बीबा वो तो मेरा लिहाज नहीं करता तो तेन कदों माफ करेगा हाँ ते हूं तो असि बह ही गए जो होएगी वेखी डिठी जाएगी गल है पुत्र जमीन इतने क्यों खलोते जी अब जी गल तो कोई नहीं बस गल है कि अजिया मुंशी ने मैं खिला रहा दसो मुंशी की गल है की गल हाँ बाबू जी कोई चीज गुआची हुई भी तो पहला बनाया हाँ हाँ चीज गुआची नवी शाय मालूम होती जी अब जी अब है ना चौधरी साहब जी अपने पसंद की चीज गुआचे तो मैं तेरे हाथ पला मार के लभी दे पुराना बंदा माफ माफ उठ पुत्र जा जाके काम कर जी तू फिकर ना कर पुत्र तेरे पसंद की शायद मैं गुआचन नहीं देता अड़िए जीलो कल सवेरे सवेरे मैं टूर जाना ते आज राती साढ़े घर जरूर आई अड़िए घर से मैं आवांगी पर एडी सवेरे जाने की लोड़ है अड़िए चार पांच मील कच्चा रस्ता जो होया ते असी टांगा तीली ला ली रखी है जे मेरी सहेली ने पैदल जाना है वीर रमजानी आया बीबी जी कम बीबी जी तेरे नाम बीबी अपने टांगे से बिठा के ना बस से चढ़ा आवी भुली ना अच्छा बीबी जी वे ना मुरादा मुंह अगो हाथ ला के मैं जवाब दे बीबी ने छड़न क्यों नहीं गया की दसा बीबी जी बाहुरी टांगे दे नाल मेरे मुछा भी ला गए ने हैं मुछा भी ला गए ने आओ जी वो कहंदे सन मैं कोच वांदा पाट अदा करना है टांगा रोके ना बेहद है त्या वे तेनू कर दे ने तमीज नहीं सिखाई हुई कि कर दे मेहमानां नू किस तरह वेखी दे ए ते हुन कर दे मेहमान ही दसनगे ते फेर ही तमीज आएगी हाय मैं मर गई तुसी ये की रूप तारे होए ओ शुक्र कर मैं जोगी बन के तेरे बुए ते नहीं आन खिलोता आ जाओ ओ जाओ जी जाओ इतने पागल कुड़ी है घरों लड़के आईए ते मां पिछा टुरी आंदी सू मैं ते इनू मोड़न आया वा चलो जी इतने पाल खाने सवारियां ने मैं क्या सुन लिया ही ना तेनू पागल खाने दी सवारी कह गई एक नू नहीं दो नू कह गया वैसे आपस दी गल ले कह ठीक ही गया प्यार करन आलियां दा आखिर पागल खाना ही हुंदा है मैं क्या तेरियां गल्लां दा बंद ते नहीं टूट गया जे मैं इत्थे खलोती रही ना ते फिर अद्धी राती घर पहुंचांगी लेकिन रानो तू ते बस से बह के अपने घर पड़ी जाना है मैं क्या खैर ते है चौधरी साहब आज फिर लालू दे डेरे हो पसीना पूंजते हुए आ रहे हो ओए असी हमें एक किधरों आई है तैनू की हो बदमाशा ओ जमीना वाला असी जमींदार ओदी साडे गल दा तू साडे मेरी गल पुछण दी जरूरत की क्यों होई ओए ताडे नौकर दा पुत्तर जो होया चौधरी साहब ते साडे पिऊ दा हुक्म है कि जिथे मालका दा पसीना डुले ना ओथे अपना लहू डोल देना चाहिदा है ता लून हलाल हुंदा है चौधरी साहब जी ओए बचू जरा जी नी गल ते खून खराबा करन लई तैयार हो गए हैं ते जे तू अपनी औकात ना पछाणी ते असी तेरे पिऊ नूं जो गए चौधरी साहब पछाण के बोल रहे जे दुख ते सानू इसे गल दा है कि ताडियां अखां नूं साडी पछाण नहीं रही ओए साडियां अखां नूं तेरी पछाण है ताईं इस तरह ते बदमाश आने आ जीना छुट पैंदा है ओए ओ जमींदार है दलेर है ते बहादुर है जे ओ बहादुर है चौधरी साहब ते मैनूं जीदार आंदे जे ते जे ओदा मेरा जोड़ वेखणा जे ना जिनी देर ओदे सामने खलो के पानी ओ पानी हो जांदे हो ना ते उस तो अद्धा चिर मेरे पिछे खलोवो खां ते जे ओदा लहू रुड़ के ताडे पैरां तक ना पहुंचे ते अपने माली दा पुत्तर ना आख्या जे हां ओ बह जा वड्या जीदारा बजू जे तू अपनियां बदमाशियां तो बाद ना आयो ते झूठा केस बनवा के ना ते तैनू मैं अंदर करवा देंगा महा बार आ गए चौधरी साहब बाबा साडा खरे की है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ते जे इना तो चिड़ के मर भी जाइए ना ते इना ने मारन आलिया नू ते बरी करा देना ते सा... ओ मैं क्या ओ ए कुआरियां कुड़ियां खट्टे संतरे नहीं खांदियां हुंदियां आ कुकर खांदियां ने ताकि उन दा व्याह जल्दी हो जाए ए ऐला फड़ो कुकर खाओ ए ऐला फड़ दा तू इन फड़ ए आहा ऐला फड़ ए तू ही फड़ ए ऐला फड़ तू ते ऐ बहुता लै भाई चलो चक्री तेरा कुकर बड़ा स्वादी है ओ कुकर की स्वादी है मैं एदे कोल भी स्वादी तुहानू गल सुनावांगा हैं मैं क्या ओ तुल्ला कुकड़ियां लेगा ना व्या हां तेरी भैन दा पियो आहा की क्या है और तेरी मां दा पियो वे की क्या है ओए मेरा मतबला नाम बदलना पड़ेगा ते मैं क्या ओ पता जे ओने मौले मंजी वाले दी मंजी अपने घर क्यों डवाई है तां ता नहीं पता क्यों मंजी डवाई है हला ते सुन लो फिर ओ तुल्ले दे घर जिन्नियां कुकड़ियां ने ना ओ मौले मंजी वाले दे माल दे नाल आ रहीयां ने ते पता जे ओ मौला मंजी वाला माल क्यों पिया लांदा है अड़िया सानू ते ए भी नहीं पता ए भी नहीं पता ते सुन लो फिर ओ चाचा तुल्ला अपनी काकी भैणा दे व्याह दा लारा पे देंदा जे ओनू नहीं कुछ सुनिया जे लोकी ऐसा भी अंबीर हो जांदे ने नी दफा करे फो जी अंबीरी नू सानू ते गरीबी चंगी मैंने भी गरीबी चंगी वे परा मर ओए कुकड़े मेरा मतलब है कि ए गल तुसी किसे कोलो लुकाउनी ते नहीं ना असि ता इस बगैरत दी करतूत घर घर जाके दसनी क्यों नहीं ठीक है नी आहो या संतरे दी मंजी अपने घरों चुकावे या अपने धी दा नकाब नाल पड़ावे ए मंजी चुकान ते जोर दे आजे ते पिछली गल नजर हाथ रोक के शाबाश चलो चलो नहीं ओदे प्यो नु जाके दसिए चलो चलो नहीं तुसी भी चलो पर तुहानू ते उठाना पड़ेगा शाबाश जाओ खैर होवे जे आ कुकड़े ए कौन है मर गया मैं ओए कुकर दे पुत्र ते पुत्र दे कुकर ओ मैं भी आना के चक्री आजकल होंदा किथे ओए इना कुड़ियां नु की चक्कर दे रहे हैं ओ मैं चक्कर की देना वे इना कोल वोट हासिल कर रहे हैं वोट ओ पर कई कमेटी दा मेंबर होना ही ओ मेंबर नहीं ओए मैं चाचे तुल्ले दे घर दी सीट हासिल करनी चाहुंना वा ओए मेरा ते मौले मंजी वाले दा मुकाबला मुकाबला ते आ मुटियारा जिन्नियां कुकड़ खा के गईयां ने ना ए सारियां मेरे हक च वोट देन गियां ओए पर कुकड़ खवा के वोट हासिल करी देने ओए मेरे च लायक उम्मीदवार इस तरह वोट हासिल करदे ने ते हुण तू आ वेखी के मौले मंजी वाले दी मंजी कदों चुकी जांदी है ते मेरी इत्थे पीढ़ी कदों डहंदी है ओ बेई बांधिया पुत्रा तैनू गरीब समझ के इत्थे रहण वास्ते थां दित्ती ते तू सारे पिंड च मेरी बदनामी करदा फिरना बदनामी तेरी नहीं होई तुल्या मेरी होई ओ तेरी किस तरह होई ओ जिस तरह सोनी ने इज्जत बेग नु मई वाल बना के ते मज्जा वाली हवेली च रख लिया सी उसी तरह ए तेरी काकी भैणा ने पूछा बाबा फिटे मुंह दा दा मेनू कुकल वाल बना के ते कुकला दी राखी बिठा दित्ता ओए सोनी ते मई वाल नु चूरिया कुटकुट खवांदी सी ए मेनू आन दे उबाल उबाल खवांदी आ वे तेरा कख ना रवे वे तेरा बेड़ा कर वे तेरा कनक दा मंजा मजा आ रिया मजा आ रिया ਪਾਵੇਂ ਸੜਕ ਦਾ ਮੰਜਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਰ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅੱਬਾ ਉਸ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਮੰਜਾ ਚੁਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਵਾ ਬੁਝਾ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਖਬਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲ ਚੁੱਕੋ ਮੰਦੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਸਾ ਦੂੰਗਾ ਇੱਪਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਚੱਕਰੀ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ए मैयत दा हाथ मैनू फड़ा जरा उठ पाओ शाबाश ते गल के इज्जत वाले दे किसे बगैरत दा पैर नहीं घर पैन दिंदे ते तू इत्थे मंजी डाई होई है चुकला मंजी इत्थों समझ गया चक्री ये सारा चक्कर तेरा ही चलाया होया और मैं इत्थों मंजी नहीं चुकनी ए गल और चाचा तू लिया और तेरी बेइज्जती दी इंतहा हो गई ते मैनू इजाजत दे हां आ मंजी चुक के मैं बाहर सुटावा ते देखना की है ਕਿ ਮੰਜੀ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਹੂ ਓਏ ਖਬਰਦਾਰ ਚੱਕਰੀ ਇਹ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਖਰਚਿਆ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਘਰੋਂ ਮੇਰੀ ਮਈਤ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਮਈਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀ ਮਨਕਾ ਤੁੜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਮੰਜੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਓਏ ਓ ਚੱਕਰੀ ਓਏ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਓਏ ਅੰਨਾ ਓ ਚੱਲ ਦਫਾ ਹੋ ਜਿੱਦਰ ਗਈ ਓਏ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ आ बीबी जी कुकड़ी जरा बाहर आया जे ते की गल है चक्री ऊपर मैं ते बेबे ने बुलाया सी खैर तुम ही ठीक है ए गल ए वे के आ वेखो तुहानू बदनाम करन दिया है जे
लालू सोना लालू मैं अजे इना बेगैरत नहीं होया कि तू मेरे सामने मेरी धी नाल गल करे ओ फिर जिन्ना होया उन्ना दस दे उन्नी गल कर लैने बल्कि आली तो तू मेरे वेड़े चो बाहर जा हां ते बाकी गल मैं तेरे नाल आके तेरे डेरे च करांगा ओए तू मेरे डेरे च की गल करनी है जट्टा उत्थे ते सलाम करन लग्या तेरी जीभ विच तीन तीन वल पैंदे ने ओ मैं ते ओनू वेखण आया सा जिस बाऊ दा तू सानू लोभ देना ए ऐ तके ना ए ओदी तार आ गई ते ओ भी अज ही आया समझ ओ गल होई ना ओ उस बाऊ नू कह दई बई चाह दे कोप दा गिजा गिजा
कि मझ दुद्ध मट न मूह ना मार बैठे बलकर। हा 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 पुत्राणो सामना हों तो मैं तेन गोली चला मजा चखा दिता। जो नवा नवा पिंड आया तो याद रखिए तो बड़े बड़े हाथ छुटवा वे हाथ छुट्टा। जे मेरा निशाना खता हो गया तो यह ना समझ मैं निरा पिस्तौल चलाने वाला हिसाब आ और मैं तेरे हाथ छुट्टा ना नहीं बढ़ता करना। डाकू का वाल नहीं चलन दिता तो हम पैदल बदल के रोक पाते। डाकू तो तू है जरा मेरे पिंड की धी का दुपट्टा उड़ा के गड्डी न सानू तो इला सब पता ही नहीं कि किसी का दुपट्टा साड़ी कार ना लड़िया भी है कि नहीं। मैं तो तेन अपने पिछे आंदियां वेख के ते भाई जन क्या साड़े पिछे को डाकू आ रही है। ले हद हो गई साहब जी तेरी भैन ने तेन आख्या के साड़े पिछे डाकू आ रहा है ते मेरी भैन ने मैनू आख्या के मेरा दुपट्टा गड्डी दे नाल लड़ के चला गया। ओए फेर ते असीं दोवें इक ही गल पिछे पागल हो गए। आहो ए साहब जी जाना किथे जी? उस पिंड जाना जी। हला मैं उस पिंड दे मालक दा पुत्तर हां कोई तकलीफ होवे ते मैनू दसी। मैं ताडे नौकर दा पुत्र है साहब जी जे तानू भी कोई तकलीफ होवे ते आवाज जरूर मारिया जे। अला रब राखा रब राखा। अला साहब जी सलाम अलैकुम। अलैकुम। किन्ना सीधा ते किन्ना चंगा बंदा है जीलो। मालूम हुंदा है इहदी रगाज किसी चंगी नसल दा खून है। मैं ए भी सोचनी पाई जा कि मैं उस शरीफ आदमी नूं डाकू क्यों आखिया। ओ ते फेर की होया अपने बंदे दा पुत्तर है फेर मिलेगा ते कदर कर लांगे। चल बैठ गड्डी। जे चुन्नी सिर ते नहीं रख सकती रानो तो इन घर रख के आया कर एवें अनपोल किसी दिन किसी का खून करा देगी। हाँ लो तुम तशरीफ रखो मैं ताडे लिए शरबत पानी का बंदोबस्त कर ला। तेरी सहेली सफाई करन तो बाद आप खड़े कितने गायब हो गई है? सफाई करन तो बाद जरा हाथ मुंह धोन चली गई होनी है तसल्ली रख आ जाती हूने। नहीं नहीं मैंने ऐसा तो कोई ख्याल नहीं सोचता सा उन्हें सफाई बहुत अच्छी की थी सामने होती तो जरा तारीफ ही कर दें। अच्छा एक गल सच्ची जा आज तो मेरी सहेली मेरे घर आई है। अड़िए तू ही जो आती होंगी से तेला मैं दी हूँ से मेरे कोल नहीं आती। मैं क्या जी लो अज तो बड़ा इलामा लाए नहीं उंगू की तेरे नाल नहीं हाँ से तेरे आने तो पहले पता है भाईजान की कह रहे सा जरा दसना भाईजान। मैं कह रहा सा किसी की तबीयत वांग कमरा साफ करने वाली आप खरे कितने चली गई और ध्यान मुड़िया शरबत
लो जी मिठा शिठा तुसी आप ही देख लिया जे असा कोई नहीं चटके। दो गिलास से जग मैं दे दो मैं मेरी सहेलियों से और कमरे जाके पिया। क्यों जी मिठा ठीक है ना? बिल्कुल मेरी मर्जी के मुताबिक है। अड़े जी लो मेरी असलासी एक तानु राग मिला के तुहाडे आंदे चा विच मैनू ए भी याद ना रहा कि मेरे सिर तो दुपट्टा उठ गया। देखिया तू एक कार ना लड़के जा रहा। अच्छा नहीं तेरा दुपट्टा सी? हाय तौबा तू कितने देखा सी? हाय नहीं ओ ते साडी कार नाल ही अड़े होया सी। हला आ ले फिर अगो सुन दुपट्टा आया ते उत्तो पावरियाम आ गया। मैं उन्हें दसिया ते उन्हें ला कोड़ा ता कार दे पीछे। मैं क्या जे ओ मर भी जांदा ना ते उन्हें पिंड दे दीदा दुपट्टा नहीं सा जान देना। अड़िए राणो मैनु ओदी ए गल बड़ी पसंद आई है। हां मैं जमील नाल ही ओदी गल्ला कीतीया सी हूं तेन भी कहनी है कि बड़ा ही प्यारा आदमी। मेरा प्यो तो उन्हें गुंडा लुच्चा ते बदमाश कहता ही। ये लालू ओही ते नहीं जिदे बारे चब्बा जी ने किया सी कि उन्हें साड़िया जमीना ते नजायज कब्जा किया होया। बादशो एहो जिहे लोगों ने हथ दे रखन लई लालच देना ही पैंदा है। बिल्कुल गलत असी कोई चोर समगलर ते ब्लैकी नहीं है चौधरी जी। मैं अपनी जमीना ते नजायज कब्जा कभी बर्दाश्त नहीं करांगा। उन्हें इत्थे बुलवाओ। ओहो चौधरी साहब मैं तुहानू कियां समझावां ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਖੁੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਬੀ ਨਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। ਓਹੋ ਹੋ उधार रहा वासी दे जाना किन्नी दूर जे ओ यार लालू का खूह किथे वे जिथे बंद बजा है पर तानू काम की है सुने उन्हें साडिया जमीना ते नजायज कब्जा किया है। मैं भी सोचना सा ए चोर दा पुत्र चुप चुपी ते इनिया जमीना दा मालिक किवें बन गया है। ओ यार वरियामा ए संभालका दी लापरवाही दा नतीजा है वरना ओदी की जरूरत है हिस्सा भी ना देवे ते जमीन भी ना छड़े। ते फिर ताडी लापरवाही ने ओदा एडा हौसला वधाता है साहब जी के तुसी भी जाओगे ते ओ औखा ही बोलेगा। हुक्म होवे ते मैं नाल चला एहो जिहा वेले बावां दी जरूरत हुंदी है। वरियामा है ना पुल इक ते मैं जमीना दा मालिक दूजा जवान तीजा जट पुत्र मेरे कले वाल तकन लग गया तीन लख मिलानी पै गई। हला फिर जीते रवो साहब जी। ओ यार मैं साहब ना आख्या कर मेरा ना जमील है। साहब जी साहब आख्या जो सानू स्वाद आंदा है वो असी ही जानने सन ना रोकया जे। हला भाई कह लिया कर सलाम अलैकुम। हला जीते रवो चौधरी टग्गा ही अड़ी पिया कर दा मैं की करा वेखा अड़ी पिया कर दा लिया बकरी बेवास मलूकरे बहु दी कीमत मारी गई बलके फट गया चौधरी फीता लाके हाथ नापला एडा जवान के बाह खोल देना
नौ फुट का गोला रुक जाता है। मैं यह जहा हटावगा इस राह के रुख न मुढ़ का निशान नजर नहीं आएगा। मैनू ही मार दिता जी बाप की चौधरी साहब जी हौसला ना हारी दीदा रही मैं आ गई। साहब जी पटाखे चलाने की लोड़ कोई नहीं गल करो लालू और वेख लेने अमू दीदार केड़ा है गोली मार देंगे। मैं चंगा बंदा आखन की सौ खोदी है। कर जो कुछ तेन मैं समझे मैं कोशिश करांगा चौधरी होरी भी तेन एह जि समझ। मैं तो तेन एवं समझ रही है सब के सामने कहते कि राम बड़ा ही चंगा बंदा कितने चंगा लगता सी। वैसे भरा मेरा भी घट नहीं था नहीं मैं तो रस्सा भी समझ रही हूँ पर आज पता लग गया कि जट पुत्र ने भावे 2000 रुपए का सूट पाया ना कि दुश्मन कितना कुछ दलेर नहीं जोड़ी दोवां दी सोनी राणो। मैं क्या इस जोड़े मुतल की ख्याल है वैसे दोवां दी बुरा हाल है। सच है कि चलिए हालो मैं मंजी किथे डावा जे मैनू मां किया ही ना ते आजा मंजी मेरे घर विच डाल। अम्मा वधिया पहले मैनू तू ये दस के तेरे घर की नफरी किन्नी है जी किन्ने ने वे खैर नाल अठ पुत्र ਉਹ ਵੀ ਛੇ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਛਾ ਬਾਬਾ ਵੇ ਹੋਰ ਸੁਣ 14 ਪੋਤਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ 6 ਦੋਤਰੇ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟੇਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਅੰਮਾ ਵੱਡੀਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿੰਸ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਵੇ ਮੌਲਿਆ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਵੇ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਛੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਿੰਡ ਫੜਵਾਣੀ ਹੈ ਵੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਏ ਮੌਲਿਆ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹਾਂ ਲੋਏ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਕਿ तेन सौ वारी आखिया मंजी एथे डाल एथे मंजी कदी ना डावा वेलिया तू मैनू वेख के मुंह क्यों मोड़ लेना मैं एनी बुरी तो नहीं तू एनी बुरी कहनी है तू तो मैं बुरे की मां मलूम होनी है। अल्लाह सच्चा जानता तू भी मैं बुरे का प्यो मलूम होना। मेरी मंजी के पैर अजे जमीन से नहीं लगे तो तू मैं बुरे का प्यो किस तरह कहनी है को काफ दिए पलागी रे वे समुंदर दिया कछू घूमिया याद रख सलमा तू जदों भी आना साडे कलेजे च भांबड़ा ही बाल ले कदी तो साडे दिल की भी अग बुझा दे सलमा। मरे मैं मौला मंजी वाला वा अग बुझाने का महकमा नहीं है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ, ਲੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ। ਚੱਲ ਬਾ। ਵੇ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਟਾਕ ਕੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੇ ਤਨ ਹੌਸਲਾ ਉਸ ਚੱਕਰੀ ਦਾ, ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਜਾਨੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਕੜ ਭੁੰਨ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਕੁੱਕੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਤੂੰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਗਦ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਆਏ ਕੁੱਕੜੇ, खाना खराब करके खुड्डा पार लेता सी। शुक्र कर तू मुख बांगा सुनदा रहे। बड़ी बांग लग गया पता कि चोर का पुत तेन एक कुड्डा पोटा खुंदा रहे है। फिर अज क्यों रोना है? चांदी पहली तरीक नू बैठ के रोई जदों सारे मुक जान गए। पुत्र बरियामा तू ही बुखार करन लग पिया है। तू तो पिंड विच किसी गरीब नू तत्ती बाह नहीं लगे दिंदा। रब दा वास्ते ही मेरी चोरी दा पता जरूर लावी। अरे चाचा, मैं अबे नू मिला वा, फिर आके तेरी सूह कढांगा। ओ मेरी इंतजार कर रहा होएगा। छेती आए पुत्र बरियामा जी। ਬਈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬੂਟਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰਿਆਮ ਦਾ ਪਿਓ ਸਮਝ ਕੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਰੱਖਦਾ। ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵੇਖ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਗ ਤੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਸੌਂਪਦਾ ਜੀ। ਓਏ ਪਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੱਖਣਾ। चौधरी जी, तुसीं पहले मेरे नाल ते गल कीती हुंदी। जनाब, मैं उहनूं चंगी तरह समझा देंगा, वो कदी भी तुहाडे किसे काम च दखल नहीं देगा। बई वेखना, असीं तेरे बुढ़ापे ते मेहरबानी करके ते उहनूं सदा ही माफ कर दिता है। ते उह समझदा है भी मेरी जवानी तो जरकदे ने। उह आवे ते उहदे कन्न खोल के उहनूं समझा दई कि उह मत नाल रवे करे। अच्छा जी। ਸਲਾਮ ਅੱਬਾ। ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ। ਓਏ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਆ ਵਰਿਆਮ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦਿਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ। ਇਹੋ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਅੱਬਾ। ਚੌਧਰੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਓਏ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ, ਤਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਤੇ ਲੂਣ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੇ ਲਾਲੂ ਨੇ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲੂ ਦਾ ਬੁਰਜ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਲੜਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਤਲੀ ਤੇ ਜਾਨ ਰੱਖੀ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਾਈਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡੋਕੀ ਤੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਰੀਬਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੜਾਈ ਨਾ। ਆਹੋ चल भी भलिया। समझ नहीं आउंदी, मैं इस मुंडे नाल जदों भी गल करना अगों उहदा जवाब कड़िया ही रख्या हुंदा। इंज मालूम हुंदा जिवें छोटिया हुंदिया इहदे ते जमाने ने बड़े ही जुलम कीते ने, जिहदा बदला कमजोर ते गरीबां दे बहाने जालमां कोलों लैंदा। ओए जालमे, अजकल दे जमाने च कौन किसे कोलों यरकदा है? अजकल दे पुत्तर प्यो नूं तद मंदे ने कि गंदी बाती नसीहतां घट करे ते हत्थी कम बहुता विखावे। तू भी ते ऐसी जमाने दे प्यो दा पुत्तर है। ओ नहीं नहीं, असीं थोड़े जिहे पिछले जमाने दी औलाद आ। ते फिर इस जमाने च की लैण आ गए? ओ चलिए, तू जो पिछे रह गई सा। ते नाले मैं क्या, मैं ओ नहीं तेरे वांगों कल्ली सवारी दा किराया पल्ले बन के टुर पवां। ते जा फिर सालम टांगा करा, इत्थे क्यों बैठा है? ਓਏ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ। ਹਾਏ ਤੋਬਾ, ਬਾਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
मैं क्या जे तैनू किसे नहीं ना दस्या साडे कोल पुछ ले। ओए ओए नाले दस कि रोटी सुक्की खाएगा कि चोपड़ी। अला जी लै वे गल ए वे रोटी पका सुक्की ते उत्ते अपना हाथ फेर दे। ओ जालमे तेरे ते हाथी इन्ने थिंदे ने रोटी आपे चोपड़ी जाएगी। हाय तौबा नाल ही हाथ फाड़ ली। भाई मैनू कुछ ना ऐस क्यों नु आग जेड़ा अग दे कोल पिया पिया पिघल गया। मैनू ते ऐस क्यों ने अख मारी सी। अच्छा ते ए गल ए पे तेरा क्यों ते लगा जा देखो जिन्ने तन्नु पैड़ी मत सिखाई। ले फिर हुन मैनू आवाज ना मारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मालूम हुंदा किसे बड़े जरूरी काम जा रहे हैं। हां ते नहीं जी काम ते कोई भी नहीं के। हां ते जे काम कोई नहीं ते फिर तैनु किसी को खलोना चंगा नहीं लगदा। चंगा ते लगदा जी पर ताडे कोल नहीं। क्यों मैनू की है हां ते कुछ भी नहीं मैं जरा चाका आंदा नाले डर भी है ने मर गई डर ते मेरे कोलो मैं ते भूत हां ते नहीं जी तू बस जरा अपना दे अपना की कुछ भी नहीं तू जरा जनानी है ना ए जरा मेरी बाह फड़ी ना मैं तेरे बेड़े ते सैर करनी है। ना भाईया जनानी दी बाह नहीं फड़ी थी सुनया चमड़ जांदी है। दे नहीं चमड़दी तू फड़ते सही। हला लिया फिर बाह जरा कुट के फड़ी किधरे ए ना होवे राह विच छड़ जावे। एको जी गल ते फिर इत्थे रहो चल सब जा ए जनानी हुन भुलेखे पान लग पई हो। जिहड़ी पहले दिन तो इसे भुलेखे विच पई हुई सी। शुक्र कीता अज तू मेरे कोल आया ते मेरा भुलेखा दूर हो गया। गल है जीलो बेगमे इन्नी ते समझ लग गई है कि मैं किसी सोने खिच पै गया ते अगा समझ नहीं लगती के की होएगा। ते मैं समझावा ए मैं क्या इस तरह समझांदी रहेगी ते आप ही समझ आ जाएगी मैनू। हुन ते तू मैनू आप ही मिलन आया करेगा। ले आया करांगा ए ते बड़ी दूर दी गल है सौ रब दी मेरा ते एहो जी करदा है कि तैनू छड़ के ही ना जा। इहनू ते प्यार कहने विलियां कि जदों दो दिल इक दूजे दे कोल कोल आ जा ते फिर दूर दूर जाण दा हौसला ही नहीं पैंदा। हुन इस तरह करी जीलो इस प्यार दे सारे दार दस दी जाई सानू। अज तक असी किसे मैदान च कंड नहीं लुआई ए ना होवे कि तेरा प्यार जीत जाए सानू। जे मेरा प्यार जीत भी गया वरिया ते ओ भी ते तेरी जीते ना। ए तू सोच लै सानू ते इन्ना पता है कि साडी कट दी नहीं लड़नी चाहीदी। ओ लाओ भाई ए बाउ दी भैण भी मैनू खेडू मैनू लगदी है बल्कि ओ क्यों बकरी ओ खट गया चौधरी खटे पर वरिया नाल सजी नहीं मजा तो ताज तेरे वाल बाता भाई खटैक। ओए बस ओए ऐवें बस बस में आज फिर बस खटैक। आ तुसी ना चुपते रहो इनू इधर ते आउण दियो बल्कि मैं हूं जा रिया। ए जाना किथे ही बह जा केड़ी शाम पै गई है मैं तैनू आप छड आवांगा। नहीं वरिया नाल नहीं जाना देखण वाले नु शक पै जाएगा। ले हुणे भी समझ लग गई है कि मैं नाल नहीं जाना चाहिदा। हला तू जा ते मेरे लिए की हुक्म है। तू भी घर जा पर ये गल किसी ने दसी ना। ले हुन सारी समझ आ गई हो पर जी करदा है कोई यार होए ते हुन चल के दसा। चल कोई नहीं आपे सोच के आपे स्वाद ले लांगे। हला हुन तू चल ते मैं भी जानना। अस्सलाम वालेकुम। Oh, my God.
जख्मी किया। और छोटे कमीने लालू ने बाबा मेरे वीर ने जख्मी करके तेरा बना सके। वो नस के किथे जाएगा? ओले अपनी मौत नु आवाज मारिए बाबू जी, बाबू जी। बाबा जी मैंने अंदर ही बंद करना सही थे, फिर जमीन के जख्मी होने की खबर क्यों सुनाई चाहिए? और मैं तेनू आख दिता बुआ खोल दे, नहीं तो मैं भन देंगा। और मेरे चटिया पुत्रा बुआ इसलिए बंद किया, मैं अपने पुत्र नू खुला छड़ के कुर्बानी का पकड़ा नहीं बनाना चाहता। मैं ओते वड्डे लोग ने मुकदमा करके लालू नू फाए भी लुआ सकते ने, पर जे तेनू कुछ हो गया कमलिया ते मेरे को ते तेरी पहली पैसी लई भी पैसे नहीं है। बाबा जे मैं मर गया ते लालू ते मुकदमा भी ना करी, ते जे मैं उन्हें मार दिता ते मैनू फाए लग जान दे मेरे पीछे ना आई। ओए अल्लाह दे वास्ते एक बारी बुआ खोल दे। ओ बाबा जिन्हू मैं सब आग के प्यार करना, मैं ओदे सामने मुंह किस तरह करांगा? उधार बहुत अच्छी जमीन के सिद्धे नहीं लैन देना। रुक जा बरियामिया रुक जा। हाय ओए रब्बा, ओ गैरा दी खातर जान दी बाजी लाउण वालिया, कदे ए भी ते पुछना मेरे कोलो कि तू आप की है? खबरदार ओ बदमाशा, इस हवेली च पैर ना धरी। ओए पैर नु डकन वाला तेरे इलाके च किसे माई ने पुत्र नहीं जम्मिया चौधरी। तू मैनु ए दस मेरा साहब किथे? जे ओ अंदर है ते मैं तेनु ओतो आम ही लंघ के वहा सकना। ओए साहब ते अंदर ही है, पर मैं तेनु आगा ते की इस तो भी पिछा टोर के दिखा। ओए पिछड़े रे हट और हटते लालू साहब ते हुण तेरे लाए जख्मां दी चार दिन मरम्मत ही कराया गई, पर एक खतरा ही पिछे। सब तो बड़ा खतरा, बल्कि बड़ा खतरनाक है चौधरी। लै आ गई नाल। हाँ आ बाबा छो मुंशी,
तैनू चाहिदा सी कि तू जमील साहब नू साडा कायल कर दूं, पर ओ उल्टा उस लफंगे जै वरियान दा यार बन बैठा। चौरी साहब ए ते कोई गल ही नहीं हैगी, मैं तानू ऐसी गल दसांगा कि तुसी बाऊ जमील दियां जमीनां दे वाद मालक बन जाओगे, पुराना बंदा वा। अरे कोई थाओ दी गल करो मुंशी, तू मैनू जमीनां दा मालक पिया बनाउणा है ते मैनू अपनी नौकरी दा फिक्र पिया है। चौरी साहब तुसी मेरी गैरत नू ललकारिया, फटकारिया, पुकारिया, बल्कि मैनू मारिया। जिहड़ी गल मैनू कुछ ठहर के करनी सी ना, ओह मैनू हुणे करनी पै गई। जरा कानू ना करना, तुसी अपनी काकी दा रिश्ता बाऊ जमील नाल फौरन तो पहला कर दिओ, ते नाकाम कोशिश की है। मैं कहना तुसी मेरी गर्दन नू तोड़ देना, ला देना, कट देना, तोके नाल। जे तुहाडी हां तो बाद मैं जागीरदार साहब नू ना मनाया ते पुराना बंदा वा। एह गल है ते मुंशी फिर मेरे वालों हां ही, ते फिर साडे वालों भी हां है। मैं हुणे जाके जागीरदार साहब नू तार देना, टैलीग्राम देना, हाथ देना, लिफाफा देना, टैलीग्राम देना बाय एयर, उदा मुंशी भी मनेगा, पुराना बंदा वा। हुण जावा। बेवकूफ दा पुत्र ना होवे ते। ओए मेरी मंजी किथे गई, वो यो खाना वो ही चा बाबा, पुराना बंदा वा। मोलिया पहला ते तू मंजी डांडा रौला पांदा रहना से हैं, ते हुण मंजी ग्वाचन दा रौला पा रहे, ए की चक्कर है? आ मैं तो नवी मंजी लै दियां, पुराना बंदा वा। ओ मुंशिया ओ भी ते पुरानी सी। ओए ओए गल सुनी नहीं है तू? कहंदे ने के नवा नौ दिन ते पुराना सौ दिन, मैनू ते ओहो ही चाहिदी है। पुराना बंदा वा। मैं समझ गया, ओ मंजी तेरी कोई सजन प्यारी लै गई होनी है। पुराना बंदा वा। रे मैं भी तो पुरानी आस ला के बैठी सा मौलिया, तेरी मंजी मैं अपने तंदूर ते डाली है। हां तू डाली है ते फिर मैं भी आ रही हूं, जो मेरी मंजी दी रजा ते ओ होई मेरी रजा, ओ पावे मेनू आ जावे कजा। अच्छा बाबा बेवकूफ ना होवे ते पुराना बंदा वा। आ अपनी मंजी ते बह जा। अच्छा हाय मेरी मंजी। आहो बह जा बह जा। मिया मिठू चूरी खानी? अच्छा बाबा हाथ किधर गया? ओ पुराना बंदा वा। इसे पीर दा ना प्यार है वरियां, ते नाले जेड़े लोग तन लुच्चा ते बदमाश आखदे ने ना, मैं उन्हां नू साबित कर दियां कि तू किन्ना शरीफ है। बस बस ठीक है, जिस तरह तू कहंदी रहेंगी ना उसे तरह मैं करता रहूंगा। ओए बदमाशा, तू आज साबित कर दिता है कि तेरे मुतल्लिक मैं लोगों नू जो जो कुछ कहंदा रहा वो बिल्कुल ठीक। लो भी सजना जीलो मैनू हुक्म कर गई, जे मैं तानू कुछ नहीं करना ते आओ अपना रूह राजी कर लो। एडे उचे घर की धी है जिदे बनेरे वाल तेरा प्यू तके ते सिर दी पग टै पै। अमीर जरूर है बाबा, पर झूठी नहीं हूं, उन्हें मैनू धोखा नहीं सी दिता, सगों सलाह दी सासू के। बोलिया तेनू किवें यकीन आ गया भई उन्हें तेरे नाल धोखा नहीं किया? मैनू कहंदी हुंदी है मैं तेनू प्यार करनी है, ते मेरे कोल किन्नी किन्नी देर बैठी रहिंदी है, ओ मैनू ही बड़ी चंगी लगदी है बाबा, इसे लई उहदे आखे लग के मैं मार खा ली है। हुण किधर टुर पिया है? उहनू दसन चलिया बाबा कि मैं तेरे आखे लग के उहनां नू कुछ नहीं कहा ते सिर ते पट्टियां बन लईआं नी। ओ बेड़ा तरी उतर ना जाए, नहीं ते जानो मार देणगे। ओ मैनू दस जे ओ कुड़ी तेरे नाल विआह कर सकदी है ते मैं अपनी जिंदगी दे के भी उस कुड़ी दा रिश्ता तेरे लिए मंग लियावांगा। ओ जिसले मेरे कोल हुंदी है ना बाबा ते बड़े चावां नाल बहिंदी है, मेरा ख्याल है जे उन कोई आवाज ना मारे ते सारी जिंदगी मेरे कोल ही बैठी रवे। जे गल ते बह जा इत्थे मेरा पुत्र, ते गल सुन, जिन्ना चिर मैं ना आवां तू घरों बाहर पैर नहीं कढ़ना, सुनी?
अज मैं ये भी वेख ला भाई वे लोग रिश्ते की गल किवें करते गल कर जोगा छड़िया क्यों मेरी इज्जत नालों जिंदगी महंगी क्यों समझी उन्हें जख्मी क्यों किया कतल करके आना से चौधरी साहब ये भी सब कुछ तन पुछे बगैर ही किया यकीन जाणो असीं उन्हें कतल भी कर सकते सां पर इको गल का डर सी कि तुसीं उन्हें यार भी तो समझते हो ना और नमक हराम है चौधरी साहब मैं हूं समझिया वा उन्हें मैं यार क्यों बनाया सी मेरे तो चिड़के लोगों ने लड़ाइया क्यों लेंदा सी असी तो उदों भी अर्ज की सरकार एदा वसा ना खाया जी ये जिदा यार बनता उसकी इज्जत मत पाउंदा मैं उसके हाथ वड के चौंक स्टंग देंगा ते जिहड़ा जिहड़ा बंदा वेखे वह कवे ये उही हाथ ने जिहड़े जमीन की इज्जत और बने सन वह हौसला करो बादशाह मैं उसके नाल अगली बड़ी कर आया हूं जाओगे तो जिन्हें जिन्हें यह गल नहीं ना सुनी वह भी सुन लेगा सलाम चौधरी साहब बुढ़िया तू इत की लेना है छोड़ो सू बादशाह दफा करो सर उस निमक हराम की भूल की माफी लैन आया होना है माफी के नाल कुछ अर्ज भी करना आया चौधरी साहब तो फिर वो जख्मों के इलाज लिए पैसे मंगने आया नहीं चौधरी साहब मैं इस घरों की जिंदगी लई दुआ मंगन आया ओए शुक्र कर उसले मैं उत्थे नहीं सा चौधरी ने ते खाली उन्हें मारिया ते तू दुआ मंगन आ गया ओए मैं उत्थे हुंदा ते फिर तू ओदे कपल लई पैसे मंगन आला सी मरते उस मुड़ भी जाएगा जनाब ते ओदे मरण दे बाद जीउंदा मैं भी नहीं रह सकता तुहाडी इक नजरे करम साडे दोहां दी जिंदगी बचा सकती है ओए बकवास कर कहणी चाहुंदा गरीब की अर्ज सुन लगिया एडिया सख्त गल्ला नहीं करी दिया जनाब चौधरी साहब नहीं तो मैं तो यह भी नहीं दस सकांगा कि मैं सवाली बन के क्यों आया तुसी चुप करो चौधरी जी गल करन दिओ दसो बुढ़िया कहना की चाहना जनाब मैं पुत्र की जिंदगी लिए आख्या ना मैं चाहना तुसी उन्हूं अपना भरा बना लो उन्हूं अपनी बाह समझो तो जे तुसी मन गए ते मैं बड़े चौधरी और पैरी पै के भी उन्होंने मना लांगा चुप कर लो दो कौड़ी तो सस्ते इंसान करी ऐ चोरू नौकर होके मालकन वो गल चा क्यों जड़ी साढ़े बराबर वाला भी कहता असं उसकी गर्दन ला देंगे इन्हू टिक्के मार के बाहर कर दियो चौधरी जी नहीं तो मैं इन्हू शूर कर देंगा जे अपनी औकात का पता लग गई तो उठे इतों साढ़े जहां लोगों की पग इस तरह जमीन तो रुलनी चाहिए चल चुप पग दे इतों दबाओ जा पग तो हूं वह आन के चुकेगा जिदा मैं ना लिया तो तुसा पग डेगी है गरीब बड़े टीट होंगे ने जमील साहब जी वो इस तरह चला गया तो फिर आ जाएगा गरीब होके अमीर कर दी तीन प्यार किया तू अमीर होके गरीब की तीन प्यार नहीं किया तेरे को वध गल नहीं की मैंने तेरे को उम्मीद नहीं सी कि तू उस लाश जे आदमी को चिड़के मेरे नो जी गल अल्लाह दी सौ मैनू भी उम्मीद नहीं थी कि तुहाडे जे वड्डे लोकां नूं गरीब दी अख वी पीला होवे ते ओह वी दिस पैंदा ते अपनी अख वी शतीर वी होवे ते ओह वी नजर नहीं आंदा जरा सोच जे तेरे किसी वड्डे नूं ओहने हाथ पाया ना ते फिर खुश ना गल कर रानू मैं एक भैण दे भरा दा फर्ज अदा कीता ते जनाब जी ओह वी भैण दे भरा दा फर्ज अदा कर सकदी पता ही ना ओहने तेरी कार डक के मैं दुपट्टा खोलिया सी मैं जियांदी तूं कहना की चाहंदी कहना इह चाहंदी है जनाब कि तुहाडे जे लोक गरीब दी धी दा रिश्ता ते कबूल कर लैंदे ने पर गरीब दे पुत्तर नूं धी देने तुहानूं सब के लड़ जांदा पुत्रा एक वक्त सी मैं तेन बुए बंद कर करके रखता अज बुआ खोल दिता है चौधरी की हवेली विच मेरी पग डिग पई ओनू जाके लाया अज फिर तक नहीं बाबा मैं किन्ने का हाथ बन के तेरे खंभे च लिया उठना पग वरियाम ते उन्हें ही हत्था थे वे जिना कोलों पुल पलेखे डिग पई सी बाबा तेरा बाहर आके दस मेरे हत्था ने किने एक डग रहे बाबे नु क्यों बुलाने है वरियाम मेरे हाथ वट के उदे पैरा सुट दे ओए मैं तेरे भी टोटे कर दिया ना
लोग जो बूहे पर आ जाते उन्होंने माफ किए करेगा। मैं माफ कर दे बाबा, पुत्र भावे अमीर भी हो बुजुर्गों के पैरों से डिगना चाहिए। उठ बा पुत्र। भाई जान वाले गल तो सोना। सलाम जनाब। वालेकुम सलाम। ये दस भी इस पिंड चा साडी ओ गड्डी राज खराब हो गई है, असा वड्डे पिंड जाना है। जनाब तुसी इत्थे खलो ते मैं अपने पुत्र नु भेजना, ओ तुहानू यक्के ते छड्ड आवेगा। हां जी जरा छेती कर। चंगा जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। समान है जनाब। भाई समान तो थोड़ा ही है मियां जी। तुसी फिकर ना करो, मैं आपे सब कुछ कर लांगी। नाले अपने की गल है बरखुरदार जी? की दसा, तेरा ख्याल है तू सानू पहचानने की कोशिश करना पिया? आहो जी, असि एक दो बारी अगे भी इस पिंड आए हैं। यह सारा जरा इलाका है ना साडा वीर है, तू इत्थे ही कदे वेख्या होना सानू? नहीं जी, जिथे तुम देखे ना वो कोई होर थां सी। मैं तुम पछाण लिया, दसो ते बच्चों का की हाल है? भाई वो दोवे भैन भरा इसे पिंड ही रेंदे ने। वो जरा चौधरी अत्ता है ना अत्ता, वो साडा करिंदा है ना, वो हवेली च रेंदे ने। हला जी हला ताजी खैर साहब जी, एक गल दस के मेरी 10 साल उम्र वधाती जे। आओ चलिए भाई, पहला टांगे यके दा ते बंदोबस्त कर ला। ओ नहीं जी, हुण ते मेरा ए दिल करदा है कि तानू टांगे दी थां अपने मोढ़िया ते पा के वड्डे पिंड लै चला। भाई बड़ा ही कमला पुत्र है तू, मैनू ए दस भी सारा कुछ करना क्यों चाहना है? ओ जमील साहब मेरा यार है ना चौधरी साहब जी, वो जदों दा इत्थे आया है ना ते जेड़ी भी बला ओहदे सामने आंदी है ना ते मैं आप अग्गे हो जांदा वां। वाह भाई पुत्रा। ओ मैनू भी पुत्र आ दित्ता जे चौधरी साहब जी। की फर्क है, तू मेरे पुत्र दा यार। हला ते आओ फिर चलिए। मेरा एडा प्यारा दोस्त है कि मेरा वड्डा भरा भी हुंदा ते मेरे वास्ते इन्नी कुर्बानियां ना करदा जिन्नियां इन्हें कीतियां ने। एक बारी ते अब्बा जी इन्हें लालू बदमाश दे हल भी साडी जमीन चो बाहर कढ छड्डे सन। हां सचे दस चौधरी के लालू बदमाश ने अली तक साड़ी जमीन का कब्जा नहीं दिता? वो दे देगा सरकार, उन्हें की आखना है? तुसी आ गए जे, जिस दिन जाओगे वो अपने डंगल लेके ते किसी होर पासे दफा हो जाएगा। मैं ना पैरां ते सुनना चाहना कि साड़ी जमीन का कब्जा छड़ के तो नस गया। ते फिर ये गल इन्हां ना कहो चौधरी साहब जी, मैनू हुक्म करो ते जिन्नी देरी तुसी शरबत पानी पियोगे ना उन्नी देरी तुहानू पता लग जाएगा कि लालू उथों नस गया। हां तू कल्ला नहीं जाना, मैं भी तेरे नाल चलांगा। आहो पुत्र तुसी दखल करके आओ। हां ला जी चौधरी जी, तुसी अंदर तशरीफ ले आओ। ए गल तू मैनू उस वेले क्यों ना दसी, मैं तेरे सामने उन्हें शूट कर देता। इस तरह दसदा चौधरी साहब, उस बदमाश ने ते जमील मियां नूं हाथ पाया है, खिलाफ कोई भी गल नहीं जे मौके गल नहीं सुनी थी। एम चल मेरे नाल। इंज मालूम होंदा है साहब जी, जिस तरह साथों पहला कोई वरियाम ते साहब जी इतने सफाई का कोट कर गए ने, बंदा तो इतने दिसदा ही कोई नहीं। उन्होंने नासी जाना चाहिए सी वरियामा, उन्होंने पता थी भी दो सगे भरावान वर्गे यार अपनी जमीन का कब्जा जो लैन आ रहे ने। Thank you.
ज्यौंदा रो वरियाम, और मैं जो वेखना सी वो वेख लिया। तुसी मेरी फिक्र ना करो चौधरी साहब, और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। और मैं ते समझिया वरियाम कि तेरे जो जीदार पुत्र जम के ना ते फिक्र मापिया दे नेड़े ही नहीं जांदा। चौधरी गल सुन, इत मेरे कोल बो उठिया बह जा। तेनू मुबारक होवे बुढ़िया, चौधरी होरां ने तेरे पुत्र वरियाम नू अपनी फरजंदी विच कबूल कर लिया। चौधरी साहब, ये तो अल्लाह का ही करम जे, नहीं तो जे एडा वड्डा सुफना भी मैनू आवे ना तो मैं ते कंब के उठ खलोवां। नहीं बूटिया, तेरे पुत्र दी जीदारी ने तेरा सुफना सच कर विखाया, हुण ते मैं चाहना भी दोवां पुत्रां दीआं जंजां कट्ठियां छड़। एक अर्ज मैं भी करनी चाहना चौधरी साहब, ए बंदा ते मैं ढगा जिहा, पर मेरा जी चाहुंदा है कि पहला अपने साहब जी नू सेरे बन्ना ते एदी जंज भी अपने घरों ही ले जावां। जे तुसी नहीं मनोगे ते मैं जिद करांगा जे। ओ जिद दी तां पुत्तर गल ही कोई नहीं, जो तू चाहेगा ओही होवेगा। ला जी। यार वरियामा एक गल ते दस। की साहब जी? तेरा कोई भरा नहीं हैगा? है साहब जी, रब मेरी उम्र भी ओनी लावे। पर यार सानू तू कदी भी ओदे नाल नहीं मिलाया, एक बारी मिला दे सही। ओ क्यों नहीं मिलावांगा साहब जी, तेरे ब्याह ते तेरे नाल ओनू मिलावांगा। मैं भी याद रख ली, जे नाना मिलाया ते तेरे मैं भी नहीं बनने। हाला बिस्मिल्ला करके सज्जा हाथ अगर कर। हां वीर वे, टाइम ते सगना दी मेहंदी लावे। जीलो तू पहलो मैनू ए दस, बाहर मेहमाना च वरियाम दा छोटा भरा आया है कि नहीं? मैं ते नहीं वेखिया, पर ओ ते तैनू अपना छोटा भरा समझदा है। ओ नहीं नहीं, ए होर गल है, मेरा ख्याल है वे भी सानू अजीज नहीं समझता। नहीं तो अपने छोटे भरा नू साडे कोलों दूर ना समझे। तू बाहर जाके परियाम नू अंदर गल, मैं ओदे नाल गल करके फिर मैं दी लावांगा। चंगा वीर वे। ला चौधरी साहब, मैं इंतजाम किया है कि अपने साहब दी जंज घोड़िया ते ले जावांगा। क्यों नहीं? जमील मैं दी नहीं जी लवांदा, ओ कहंदा कि फिर बाहरों भेजो ते फिर मैं दी लवांगा। जा पुत्र वरियाम, तेरा यार अंदर तेनू बुलांदा पिया। अच्छा जी। एक की गल है साहब जी, मेहंदी क्यों नहीं लांदे? आ यार वरियाम बह जा, तेरे नाल ही गल करनी। एक खैर दी गल है ना साहब जी। देखे ना वरियाम, शादी ब्याह एहो जिहा मौका हुंदा है जदों रुसियां नू मना लईदा है ते विछड़िया नू मिलीदा है। आहो मौका ते एहो ही हुंदा है। फिर मेरा फैसला ए वे, जदों तिकर तेरा छोटा भरा ना आवेगा, ना मैं मेहंदी लानी है ते ना सिरे बनने। जे मैं आखा वो आ गया ते फिर? ते फिर मैं कहांगा ओनू अंदर बुला, ओए मैं ओनू जफ्फी पा के दो गल्ला करनी चाहना वा। ओए ते फिर मेरे नाल ही घुट के जफ्फी पा लै, दो नहीं भावे दस गल्ला कर लै। बड़े अफसोस की गल है वरियामा, यार तू सानू इस काबिल नहीं समझदा कि तेरा भरा सानू मिले। ओए भरा ते तैनू मिल रहा सुनिया, उपर तू आप ही परे हो के बैठे। चौधरी साहब, दवे यारां दी जोड़ी खूब है, अल्लाह इन्हां नू सलामत रखे। ए चौधरी साहब जी, गल है पुत्र वरियाम, ए जमील साहब जिद करदा है कि तेरा जिनी देर तक निका भरा नहीं आएगा मैं मेहंदी नहीं बुलानी। तेनू फिर उन्हें बुला लेना चाहिए। अब्बा जी, इन्हें नहीं जे बुलाना है, सानू गैर समझदा जे। गैर ही ते नहीं समझदा साहब जी, चौधरी साहब जरा इन्हू समझाया जे। तानू याद है ना, मैं ओ ही हाँ जेड़ा अपने निके भरा नू मसीती छड़ के ते आप ओदे लई दुध लैन लई टुर गया सा। ए बच्चा किदा रोंदा पिया, तानू पता किदा बच्चा? चौधरी साहब, मैनू ये बच्चा अपने पिंड का ते मालूम नहीं हुंदा, मेरा ख्याल है इन्हू कोई अल्लाह दे सपुर्द करके। चंगा फिर इन्हू मैं नाल लै जाना हाँ, जे को पुछन आया तो उन्हों मेरी हवेली वाल पेज देना। वे तो यार आजा भाई आजा। अच्छा अच्छा, हुन तुसी आप ही दसो चौधरी साहब जी, मैं नु आना जे प्राणु मिलना ही ते मैनु जफी पा ले, मैं कोई गलत ते नहीं आख रहा? तू ठीक आने वरियाम, जमील पुत्र इन्हू जफी पा ले, एहो ही तेरा विछड़िया भरा है, मैं ही तेनू मसीत चो चुक के लियांदा सी ते औलाद दी तरह पा लिया। भाई जान, ओ जमीन, ओ मेरा भरावा, ए देख ले मां, आज तेरा निकू मैनू साब होके मिल पे ही, ओ मां मिल पे ही मैनू। वरियाम, वरियाम, लाड़ो तो ना बंदे राणा तो ना प्योन चुके ला गए। चुके ला गए,
हूं तू सगना की मेहंदी ला ते मैं लालू दे खून नाल अपने हाथ रंग के आवांगा। अपने प्यू जिंदे वेखना चाहनी पिंडो हर आने वाले हर दिन तू कहना मैं अपनी मर्जी ना आई हाँ से मैं अपनी मर्जी ना कर ही सकना गल करके मेरा मरना सौखा कर दिता ही ला मार गोली Thank you.
तेन ती का विह कि महंगा पे लै चला थानू थाने।